दिन में स्वर्ग में जाना चाहते हो, जो जो समझते स्वर्ग में जाना चाहते हैं हम सत्युग में, जहाँ श्री कृष्ण का राज्य होगा, श्री कृष्ण राज करेगा, श्री कृष्ण के मूर्ति की पूजा करने से कुछ नहीं मिलेगा, उसके जैसे बनो। वो जो कहता है कृष्ण कभी क्रोध करता है नहीं, है ना, ऐसे बनना पड़ेगा ना। तो ऐसे बनेंगे तो कृष्ण के राज्य में जाएंगे, गोकुल में जाएंगे, गोवर्धन में जाएंगे, जहां थे वो, तो अपने आप तो नहीं जाएंगे ना। तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, उसके जैसे देश वेश, जैसा देश वैसा वेश, वैसे खाना, ऐसे चाहना, जैसे पानी वैसे वाणी, ये सब करना पड़ेगा ना कि अपने आप होगा। हाँ, मंदिर में क्या होता है और यहाँ क्या मिलता, कोई पूछेंगे तो आपको भी जवाब देना चाहिए। यहाँ स्वयं निराकार भगवान शिव बाबा आकर के ज्ञान सुनाते हैं, वो चैतन्य है। इसलिए मधुबन में जाते हो बाबा से मिलने के लिए, जाते हो बाबा से मिलने, गए मधुबन में, है ना, देखा ना गुलजार दादी के तन में कैसे शिव बाबा के ज्ञान सुनाता है। जो शुरू बनाया था उन्होंने शरीर की, ये शरीर छोड़ा दूसरे में आया, है ना। तो जैसे मंदिर में श्री लक्ष्मी का ही वो शरीर गया, दूसरे में आई, हनुमान दूसरे शरीर में आया, श्री राम आया, कोई भी धर्म गुरु देवताएं कोई नहीं आए। तो यहां माँ बाप बच्चों को जन्म देके छोड़ते नहीं है, उसकी पालना करते हैं, पढ़ाते हैं, बड़ा करते हैं। तो यहां भी एक दफा आया, 100 साल तक संगम के, कलयुग का अंत सत्युग का शुरू में 100 साल है, 100 साल तक संगम युग कहा, भगवान आकर के बच्चों को पढ़ाकर लिखाकर स्वर्ग के लायक बनाता है, तो सत्युग जाएंगे। बाकी जिसने ये 5 विकार अपने पाप मिटाया नहीं, वो कहां जाएंगे, सारे परम धाम में ब्रह्मांड में जाके बैठेंगे, घर में बैठेंगे। कोई बच्चा स्कूल में पास हुआ तो दूसरी कक्षा में जाएगा ना, फेल होगा तो क्या करेगा, घर में बैठना पड़ेगा, घर में बैठे स्कूल में नहीं जा सकता है, फेल। तो अगर आपने अपने पाप नहीं मिटाया तब कलयुग में इतनी वृद्धि है, सत्युग में देवताएं 5 ही थे, 5 ही पांडव, देवताएं थोड़े से, क्योंकि जो पुण्य आत्मा बनने वाले है, पाप मिटाने वाले है, वो थोड़े होते हैं। तो उसमें से आप देवता बनना चाहते हो कि घर में जाके सोना चाहते हो, वो आपके हाथ में है, आप निर्णय करो। अगर पढ़ेंगे लिखेंगे, अगर अच्छी तरह से पढ़ाएंगे, पास होंगे तो दूसरी कक्षा में जाएंगे, नहीं करेंगे तो ऐसे रहेंगे, पढ़ाई नहीं किया, नींद आती है, टीवी देखते हैं, योग नहीं लगता, कुछ बोलते रहो तो फेल होंगे। फेल होंगे तो क्या पढ़ना पड़ेगा, स्कूल में जा सकते हो, घर में बैठना पड़ेगा।